हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 2021 में कितना कट ऑफ गया था फॉर द फाइनल सेलेक्शंस। इंटरव्यू होने के बाद से आप लोगों का एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसके अलावा आप लोगों का जो टेट का जो मार्क्स है, इंटरव्यू का जो मार्क्स है और अदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर का जो मार्क्स है, सबको ऐड करके एक फाइनल कट ऑफ या फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। उसमें से जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा वही सिलेक्शंस होंगे, वही प्राइमरी टीचर, गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर बन सकते थे। ये एक RTI के द्वारा ये एक मारा गया था, RTI मारा गया था और उसी से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके आया है। तो जैसे कि आप लोग बाएँ तरफ देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, साउथ में माई रैंक, यानी कोई एक RTI किया था 2014 के टेट पास आउट कैंडिडेट है। माई रैंक इन द टेट 2014 मेरिट लिस्ट पब्लिश 15 फरवरी 2021 अंडर नोटिफिकेशंस। ये जो नोटिफिकेशंस का जो ये नंबर है वो, उसके बाद नंबर टू में देखिए कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है। नंबर तीन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटेड फॉर द टेट 2014 मेरिट लिस्ट कैंडिडेट ऑन 15 फरवरी 2021 अंडर योर नोटिफिकेशंस मेमो नंबर डैट। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि 2021 में जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में प्राइमरी टीचर्स के लिए, उसमें कितना कट ऑफ किया था। तो सबसे पहले देख सकते हैं, यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट। ओके, यानी ये जो कैंडिडेट है ये RTI किए थे तो इनको बता दिया गया, इन्फॉर्मेशन साउट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड दिया गया है एक नंबर में, यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट। आप जो स्टेट वाइड जो मेरिट लिस्ट बना है आप इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, यानी इनको बता दिया गया। एक मिनट, इसके बाद नंबर टू में देखिए कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जनरल STSC OBC ANB। तो जनरल के लिए लास्ट जो कट ऑफ गया था फाइनल मेरिट लिस्ट में 29.031। ओके, ST के लिए देख सकते हैं 25.886, SC के लिए और ST के लिए 22.840, OBC A के लिए 27.613, OBC B के लिए 28.471। ओके, तो ये कट ऑफ बहुत ही हाई गया था। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, वेट, ठीक है, तो जनरल के लिए 29, SC के लिए 25, ST के लिए 22, OBC के लिए 27, OBC B के लिए 28। तो इस बार जो इंटरव्यू हुआ है 17-14 वालों का, इसमें भी बहुत हाई मतलब रैंक वाले HS में एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बहुत हाई रैंक वाले एक कैंडिडेट हैं। तो इस बार भी देखा जाए कि कट ऑफ कितना तक जा सकता है। इंटरव्यू तो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है और मे बी ये मार्च तक मे बी इंटरव्यू हो। और फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आता है, जब तक के नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो बहुत कैंडिडेट का ये कहना था कि कितना कट ऑफ आ सकता है। तो आप लोग 2021 में जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, जनरल का 29 है, SC का 25, ST का 22, OBC A का 27, OBC B का 28। तो जनरल में जिनका कट ऑफ मार्क्स एक अंदाजन अगर 30 पार है तो मे बी वो सिलेक्शंस उनका हो सकता है। OBC में अगर 27 भी पार है तो उनका भी सिलेक्शंस हो सकता है, 27 से भी ज़्यादा पार है। ST में अगर 26 से भी पार है तो हो सकता है, और OBC B के लिए 28 या 30। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन था, एक छोटा सा एक डाउट को आप लोग क्लियर करने के लिए। बट इस बार देखा जाए 14-17 वालों को जो इंटरव्यू हो रहा है इसमें कितना कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि सीट भी कम है और कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है। और अभी 82 मार्क्स वालों का इंटरव्यू बाकी है। सीटेट वालों का भी ऑनलाइन पोर्टल क्या पता देगा या नहीं देगा, इंटरव्यू होगा या नहीं। फिर अभी न्यू टेट पास आउट कैंडिडेट भी है, इन लोगों का क्या पता कब तक मतलब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगा, ऑनलाइन पोर्टल कब देगा, कब इन लोगों का फॉर्म भराएगा। तो अभी जब तक के नोटिफिकेशंस नहीं आया तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो ये एक था इन्फॉर्मेशंस, जनरल इन्फॉर्मेशंस। आप लोग इसके हिसाब से जो 2022 टेट पास आउट कैंडिडेट हैं वो आप लोग अपना ऐसा इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू कर दे टॉपिक वाइज। जो जिनका इंटरव्यू हो चुका है आप लोग अपना कट ऑफ मार्क्स एक अंदाजन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए कब तक क्या हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ द लक ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।